मौलाना गुलाम रसूल बलिया भी, जिनके हर बयान पर चढ़ता है। बिहार में सियासी पारा, जाने कौन है ये जेडीयू नेता। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के विवादित बयान जारी हैं। एक बार फिर से गुलाम रसूल ने भारतीय सेना में 30% मुस्लिम युवाओं को जगह देने की मांग की है, जिस पर सियासी घमासान मच गया है। इसके पहले भी गुलाम रसूल बलियावी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसको लेकर खूब राजनीति हुई। पहले सुनिए गुलाम रसूल का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने सेना में 30% मुस्लिम युवाओं को आरक्षण देने की वकालत की है। ये तो भारतीय जनता पार्टी भगौड़े की तरह से पनाह लेती है सेना के नाम का। हमने डिमांड जो किया है वो डिमांड ये किया है कि साहब, पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान दिखाकर देश के बहुसंख्यक भाइयों के बीच जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत का भाव आप पैदा कर रहे हो, तो आप 30% फौज में, सेना में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। पाकिस्तान को बढ़िया से ठंडा कर देगा मुसलमान, इसलिए कि मुसलमान के बच्चे को पता है, वीर अब्दुल हमीद ने बताया है कि उनके टैंकों को कैसे तोड़ा जाता है। क्या इस सच्चाई से भी कोई इनकार करेगा? दरअसल गुलाम रसूल बलियावी ऐसे बयान देते रहते हैं जिस पर राजनीति गरमा जाती है। मौजूदा समय में जेडीयू से जुड़े गुलाम रसूल बलियावी का करियर काफी पुराना है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी का जन्म 21 मई 1969 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने यूपी के गाजीपुर स्थित चश्माए रहमत ओरिएंटल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की। बाद में गुलाम रसूल बलियावी ने राजनीति और समाज सेवा शुरू की। आज भी गुलाम रसूल खुद को राजनेता से ज्यादा समाज सेवी कहलाना पसंद करते हैं। बिहार की जेडीयू में गुलाम रसूल को बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा माना जाता है। उन्हें सीएम नीतीश कुमार का भी बेहद करीबी बताया जाता है। गुलाम रसूल विधान परिषद सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा गुलाम रसूल कौमी इत्तेहाद मोर्चा नामक गैर लाभकारी संगठन के संस्थापक भी हैं। उनके पास करीब 76 लाख रुपए की संपत्ति है। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसके बावजूद गुलाम रसूल बलियावी सुर्खियों में बने रहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव ने दोबारा से दोस्ती की और सरकार बनाई। इसके बाद गुलाम रसूल बलियावी के पीएम मोदी और बीजेपी पर जुबानी हमले पैने हो गए हैं। गुलाम रसूल कई मौकों पर विवादित बयान देते रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि हर शहर में करबला बना देंगे। इसके अलावा भी गुलाम रसूल बलियावी कई मौकों पर बीजेपी और आरएसएस को घेरते नजर आए हैं। हालांकि ज्यादातर मौकों पर गुलाम रसूल बलियावी के बयान को लेकर बखेड़ा खड़ा हो जाता है। यहां तक कि जेडीयू की सहयोगी आरजेडी भी गुलाम रसूल पर कार्रवाई की मांग करती रहती है, लेकिन तमाम हिदायतों के बाद भी गुलाम रसूल बलियावी के विवादित बोल जारी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।